दोस्तों, अपने टाइम में मार्केट में धमाल मचाने वाली मोबाइल कंपनी जो लावा मोबाइल थी, वो अब मार्केट से बिल्कुल आउट हो गई है। लावा मोबाइल अभी कुछ दिनों पहले स्मार्टफोन लाई, बट वो उसको मार्केट से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो दोस्तों, ये है लावा मोबाइल, जिसमें आप देख पा रहे हो एक बड़ा स्क्रीन है। लावा अल्ट्रा इस मॉडल का नाम है और इसमें एक VGA कैमरा लगा हुआ है दोस्तों। साथ में आप बगल में ही एक वाट का स्पीकर जो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट करती है। और इसमें ये देखो, ये जो बटन है ये 5 बटन है, बीच में मेनू है और चारों ओर बटन है। ये बैक बटन है, ये कॉन्टैक्ट, आप ये जो ऊपर के दो बटन है आप इसे अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, यानी आप जो चाहो उस बटन के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। ये है दोस्तों, ये कट बटन और ये डायल बटन। इसके नीचे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सबसे नीचे का जो 3 बटन आप देख रहे हो, ये है *0#, ये स्क्रैच आ गया है। और ऊपर प्रिंट है लावा, जो कि काफ़ी सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है। और सबसे ऊपर यहाँ पे एक हेड वॉल्यूम दिया गया है, यानी ईयर जब आप कान में सुनते हो तो ये वॉल्यूम काम करेगा। और 3.5 mm की जैक है। इतना पुराना सेट होने के बावजूद दोस्तों, इसमें ये देख लो, ये डेटा केबल से टाइप सी चार्जर है, जो कि काफ़ी आश्चर्य वाली बात है। ये देखो, क्योंकि पहले जो भी था वो पिन मॉडल थी, बट इसमें ये पिन मॉडल नहीं है। और यहाँ पे स्पीकर दोस्तों जो बहुत अच्छा साउंड जनरेट करती है। मैं इस मोबाइल का अभी भी उपयोग करता हूँ FM सुनने के लिए। जब हमें FM सुनने का मन करता है तो मैं इसको ऑन करता हूँ और इसमें मैं FM बजाता हूँ। दोस्तों, इतना पुराना होने के बावजूद इस सेट में कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन आज भी शुरू हो रही है, यानी आज भी स्टार्ट हो रही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं ये स्टार्ट होता है क्या नहीं। ये देखो, ये इतना पुराना होने के बावजूद और इतने काफ़ी दिनों से रखा होने के बावजूद ये फ़ोन दोस्तों चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि लावा मोबाइल अपने टाइम में कितना अच्छा हार्डवेयर जनरेट करके देती थी, मोबाइल हार्डवेयर कितना अच्छा देती थी मोबाइल में। और ये आज भी चालू हो रहा है। तो जैसे ही आप ऑन करते हो, इसमें आपको डेट और टाइम सेट करने का ऑप्शन मांगता है। तो जो भी डेट है वो मैं सेट कर देता हूँ, चूँकि ये देख लो, इसका कुछ बटन काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, बट वो बहुत ही इजी ठीक हो जाएगा दोस्तों। हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप बटन काम ना करे तो क्या करोगे। बटन काम ना अगर करे आपके मोबाइल का, तो आप कुछ मत करो, कीपैड का जो प्रिंट स्विच है उसे एक बार उखाड़ के फिर से साट दो, बस आपका काम करने लगेगा। क्योंकि स्विच के अंदर नमी जाती है, इसके वजह से स्विचिंग नहीं हो पाता है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है मोबाइल की। ये देखो, ये मेनू है, ये काफ़ी स्पीड चलने वाली मोबाइल है, जो कि ये देख लो कितना, जब मैं मेनू को चेंज कर रहा हूँ तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और ये देख लो, ये कॉन्टैक्ट बटन हमने इसको बना के रखा है ऊपर नीचे से, इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कॉन्टैक्ट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, और रेड बटन से हम बाहर आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है दोस्तों। आज तो मार्केट से ये बिल्कुल आउट हो गया, क्योंकि विदेशी कंपनियों का इतना ज़्यादा दबाव है देश पे, और विदेशी कंपनियां इतना सस्ते में स्मार्टफोन दे रही है, जितना कि हमारे देश के कोई भी लोकल कंपनी को इतना सस्ता देना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से देसी कंपनियाँ डूब रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपके पास भी लावा मोबाइल है तो आप ज़रूर उसे ऑन करके देखो। और अगर ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो अभी मैं इसका पीछे का कवर मैं हटा रहा हूँ, अब देख लेना ऑन कैसे करना है। ये देखो, कोई भी आपके पास बैटरी हो जो उस मोबाइल के अंदर फिट आ रही है, क्योंकि लावा मोबाइल में बड़ा बैटरी लगा हुआ था, जनरल जो साइज़ देखते हो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा बैटरी लगा हुआ था, इस वजह से काफ़ी जगह भी है। तो आपके घर पे यदि पुराना कोई भी ये नोकिया टाइप मॉडल अगर आपके पास है बैटरी, तो आप उसे सोल्डिंग करके भी फिट कर सकते हो। तो ये देख लो अच्छे से कि हमने कैसे फ़िट किया। दोस्तों, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे चैनल पे विजिट करो, और वहाँ पे भी आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा। इससे मैंने जब फ़िट किया था उसका ही मैंने वीडियो बनाया था आज से 3-4 महीना पहले। तो अगर नहीं देखा है दोस्तों, तो ज़रूर देखो, ये बहुत ही आसान है। और ये देखो, इस तरह से फिट कर दिया, काफ़ी अच्छा क्लिपिंग होती है, ये गिर के टूटा है।
बाकी इस मोबाइल में कोई फॉल्ट नहीं है। अभी भी अगर मैं इसमें सिम लगाता हूँ, दो सिम लगाने का ऑप्शन है, एक मेमोरी कार्ड भी लगने का ऑप्शन है दोस्तों। अभी भी मैं अगर इसमें लगाता हूँ मेमोरी कार्ड, तो ये उतना ही अच्छा सर्विस देती है और बहुत ही अच्छा नेटवर्क कवरेज भी देती है। तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बस ज़माना चेंज होने के कारण मैं इस मोबाइल को चेंज किया हूँ और आज के डेट में भी ये मोबाइल ऑन हो रही है, ये काफ़ी मतलब खुशी की बात है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।